नमस्कार, मैं हूँ आरके और आप देख रहे हैं खेल बिहार .com न्यूज। चलिए जानते हैं आज की टॉप 10 खबर। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के नए जीएम बने नीरज सिंह राठौर को सीतामढ़ी जिला क्रिकेट संघ ने किया स्वागत। नीरज राठौर सीतामढ़ी जिला क्रिकेट संघ के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। पहली बार बिना दर्शक के वेम्बले स्टेडियम में खेला गया फुटबॉल मैच। इस स्टेडियम में 90,000 दर्शकों की बैठने की क्षमता है। डोपिंग से खिलाड़ियों को बचने के लिए खेल मंत्री ने लॉन्च किया नाडा का पहला मोबाइल ऐप। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा का कराटे संघ के महासचिव को फोन पर धमकी देते हुए ऑडियो वायरल। यह ऑडियो वायरल आप खेलबिहार.com पर जाकर सुन सकते हैं। वेस्टइंडीज ऑलराउंडर ब्रावो ने MS धोनी के जन्मदिन के लिए तैयार किया स्पेशल गाना। खेलबिहार.com पर जाकर इसे सुन सकते हैं। इंग्लैंड वेस्टइंडीज टेस्ट में इंग्लैंड के लिए पहली बार बेन स्टोक करेंगे कप्तानी। रूट नहीं खेलेंगे पहला मुकाबला। नेस वाडिया ने कहा, देश पहले पैसा बाद में है। IPL में चीनी कंपनी से तोड़ना चाहिए नाता BCCI को। BCCI की भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के प्रमुख अजीत सिंह ने कहा, टेनिस मैच फिक्सिंग रविंद्र दंदीवाल पर 4 साल से नजर रख रही है BCCI। खेल मंत्रालय ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक बार फिर डाला अर्जी। 54 फेडरेशन को मान्यता देने के बाद हाईकोर्ट ने यह उसे वापस लेने को कहा था। ओलंपियन तीरंदाज दीपिका और अतुल दास की शादी मंगलवार को रांची में हुई। यह थी आज की टॉप 10 खबर। खबरों को देखने के लिए आप खेलबिहार.com फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो खेल बिहार न्यूज YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।